सब्सक्राइब करें हमारे चैनल कुश मांडा IAS HCS Academy को और दबाएं नोटिफिकेशन बेल को ताकि आपको हमारी सभी अपडेट मिलती रहे। हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से कुशमांडा एकेडमी में। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी इन पॉलिटिकल पार्टीज, बीजेपी, कांग्रेस, एक्सेट्रा, कोई भी ऑफ इंडिया। राजनीतिक दलों में लोकतंत्र भारत में अस्तित्व विहीन है। ठीक है, इस चीज पर हम आज चर्चा करने जा रहे हैं। थोड़ा गंभीर मुद्दा है क्योंकि इस बात पर जो है ना तो किसी न्यूज चैनल में कोई चर्चा है, ठीक है, और ना किसी न्यूज़पेपर में मैंने अभी तक कुछ पढ़ा इसके बारे में। क्योंकि अभी जो टाइम है लोकसभा के इलेक्शंस का टाइम चला हुआ है और अलग अलग राजनीतिक दलों ने अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है, ये बात आपको पता है, ठीक है नहीं? तो राजनीतिक दलों की उम्मीदवारों की जो लिस्ट है, क्या इस लिस्ट को चुनने में हम डेमोक्रेटिक वे का इस्तेमाल करते हैं या नहीं करते हैं, ठीक है, और क्या होना चाहिए, तो बात कर लेते हैं इस पर। तो अगली बात मैंने ये लिखी है कि क्या भारत में तमाम राजनीतिक दल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह होते हैं, तो ये बात कितने परसेंट सही है इसकी बात भी हम करेंगे इस पर। क्योंकि मैं आपसे एक सवाल करता हूं, आप लोग SCS की प्रिपरेशन कर रहे हो, IAS की प्रिपरेशन कर रहे हो, क्योंकि आपको लगता है कि आप अगर मेहनत करोगे, ठीक है, अगर आपके पास पैसे नहीं है, आपके पास कोई रुतबा नहीं है, आप किसी ऐसे परिवार से बिलोंग नहीं करते हो जिसकी समाज में पहचान है, तो भी आप जो है SCS और IAS जो है ना पढ़ाई कर आप बन सकते हो, ठीक है। लेकिन आप में सारी काबिलियत है, आप बहुत देश की सेवा भी कर सकते हो, ठीक है, तो आप MLA MP का टिकट हासिल करने के लिए, किसी पॉलिटिकल पार्टी का जो टिकट होता है उम्मीदवार बनने के लिए, क्यों नहीं सोचते, ठीक है? क्या सवाल आपके मन में आता है कि आपको किसी पॉलिटिकल पार्टी का टिकट क्यों नहीं मिलेगा, ठीक है, तो चर्चा कर लेते हैं। तो इस बात दोबारा से वो बात है, रिसेंटली बीजेपी, कांग्रेस, अदर पॉलिटिकल पार्टीज अनाउंस दिस कैंडिडेट लिस्ट फॉर लोकसभा इलेक्शन 2019। तो उम्मीदवार का चयन किस प्रकार होता है इसकी बात हम करते हैं। और अगर हम इंडिया की बात करें तो जो दलों के नेता होते हैं, जो बड़े बड़े लीडर्स होते हैं, जो किसी पॉलिटिकल पार्टी के बड़े बड़े लीडर्स होते हैं, वो जो है उम्मीदवारों का चयन करते हैं, ठीक है, उम्मीदवारों का चयन करते हैं। और यहाँ पर हमें कहीं भी डेमोक्रेटिक वे नजर नहीं आता है, 0%, ठीक है, डेमोक्रेटिक वे कहीं भी हमें नजर नहीं आता है, 0% चांस है। और अगर हम अमेरिका की बात करें तो उम्मीदवार का जो चुनाव है वो दल के सदस्य है, जो पार्टी के मेंबर्स होते हैं वो वोटों के जरिए वो चुनते हैं वोट डालकर उन्हें। हिंदुस्तान के अंदर जो है सिर्फ वो जो पार्टी के लीडर्स हैं, बड़े बड़े लीडर्स हैं, वो नॉमिनेशन जैसा कॉन्सेप्ट हमें नजर आता है, ठीक है। और यही एक वजह है कि अमेरिका में जहां पर हम आप बात सुनते हैं ना, अखबारों में छपा होता है रेसिज्म, काले गोरे का फर्क होता है, तो बराक ओबामा जैसे जो है ना आपके ब्लैक माने जाते हैं, उन्हें भी मौका मिल गया राष्ट्रपति बनने का, ठीक है, वहां पर क्या ना प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है, हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, पावर वहाँ प्रेसिडेंट के पास होती है, हमारी पावर PM के पास होती है। लेकिन पिछले 70 ईयर्स में जब से हमारा देश आजाद हुआ 1947 से लेकर अब तक, हमने ये देखा कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने या किसी भी प्राइम मिनिस्टर ने पॉलिटिकल रिफॉर्म्स की बात नहीं उठाई, ठीक है, पॉलिटिकल रिफॉर्म्स की बात नहीं उठाई। हमेशा टिकट उन लोगों को दिया गया जो किसी बड़ी फैमिली से जुड़े हुए थे, कोई परिवारवाद जो है ना, परिवार से जी ये उन नेता के बेटे हैं, भतीजे हैं, पोते हैं, ठीक है। तो थोड़ी सी बात अगर हम बात करें तो मोदी जी ने बात पीछे उठाई थी, वो भी सिर्फ राहुल गांधी जी को लेकर, ठीक है ना। तो लेकिन ओवरऑल जो टिकट मिलने चाहिए उसके पीछे ये नहीं कि कोई बहुत बड़ी कंपनी के मालिक हैं उन्हें टिकट मिलता है, ठीक है, बहुत या किसी परिवार से जुड़े हुए हैं उन्हें टिकट मिलता है, किसी सेलिब्रिटी को टिकट मिलता है, तो ये टिकट मिलता है ये क्या बात है। हम डेमोक्रेसी में रहते हैं, अमेरिका ने भी इस चीज़ को अपनाया हुआ है कि कोई भी पार्टी का मेंबर जिसमें काबिलियत है और लोग वोट करें,
मैं ये कहूँ कि अगर किसी ने अम्बाला से कैंडिडेट बनना है, किसी ने करनाल से वो जो है कैंडिडेट बनना है, तो जो पार्टी का कैंडिडेट है तो पार्टी के मेंबर्स को राइट होना चाहिए, जैसा कि अमेरिका में पार्टी के मेंबर्स को राइट होना चाहिए कि वो वोट डालकर ये डिसाइड करे कि अम्बाला या पानीपत या हिसार या सिरसा या हिंदुस्तान के किसी भी शहर की अगर मैं बात करूं, अगर वहां से एमएलए एमपी के लिए किसी उम्मीदवार का चयन किया जाना है किसी राजनीतिक दल के द्वारा, तो वो राइट जो है उनके जो लीडर्स हैं उनको ना मिलकर जो उसके मेंबर्स हैं सदस्य हैं वो उसका चुनाव करें, वो डेमोक्रेटिक वे होता है। तो इसमें मैंने दोबारा से थोड़ी सी बात रिपीट की है, वेदर द स्टेट और नेशनल लेवल पार्टी टिकट्स फॉर कैंडिडेट्स आर टिपिकली डिसाइडेड बाई ए फ्यू पार्टी अलाइट्स ए फिनोमिना पॉलिटिकल साइंटिस्ट डेस्क्राइब लॉ इंटरनल डेमोक्रेसी। तो लॉ इंटरनल डेमोक्रेसी पर हिंदुस्तान के किसी न्यूज़पेपर में कोई चर्चा नहीं है, हमने अपने मन से बात उठाने की कोशिश की है। तो विच मोस्ट कैंडिडेट्स आर सेलेक्टेड नाइदर फॉर देयर आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट टू ए पार्टी नॉर फॉर एक्सटेंट टू विच दे सीक टू रिप्रेजेंट द इंटरेस्ट ऑफ वोटर्स, दे आर चूजन बाई ए फ्यू पार्टी अलाइट्स बिकॉज दे कैन विन इलेक्शंस। वोट उसे मिलता है जो इलेक्शन जिता सकता है, ठीक है। तो और कोई तरीका अभी तक जो है इस पर जो है ना किसी ने बात नहीं की है। हाँ, एक चीज मैं इसमें और बताना चाह रहा था कि जो हमारा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 है, जिसको हम पीपुल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट कहते हैं, उसके बाद जो धारा 29 के और राजनीतिक दलों के पंजीकरण आदेश 1992, ठीक है। तो वो उसमें क्या लिखा हुआ है, तो गौरतलब है कि भारत में चुनाव लड़ने के इच्छुक राजनीतिक दलों को पंजीकृत होने के लिए प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29 के और राजनीतिक दलों के पंजीकरण अधिनियम 1992, ये आपके प्रीलिम्स एग्जाम जो कम्पिटिटिव एग्जाम्स की आप तैयारी कर रहे हो उसमें भी पूछा जा सकता है, तहत पंजीकरण हेतु आवेदन देना होता है। इसमें स्पष्ट उल्लेख करना होता है कि वे अपने दल के पदों के चुनाव हेतु अधिकतम 5 साल के भीतर स्वतंत्र पारदर्शी निष्पक्ष चुनाव कराएंगे। इसके अलावा कोई भी राजनीतिक दल अपने आंतरिक संगठनिक प्रशासन के कुल पदों के एक तिहाई से ज्यादा में नामित करने की प्रक्रिया नहीं अपनाएगा, लेकिन वास्तविकता कोसों से दूर है। हालांकि ये एक अलग टॉपिक है, इसमें जो है थोड़ा सा जो ना यहाँ पे जिक्र जो है इसके अंदर भी जो जिक्र है वो उम्मीदवार के जो है ना सिलेक्शन को लेकर नहीं है। यहाँ पर क्या है, जो पार्टी में आपके प्रेसिडेंट होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, दूसरी जो पोस्ट होती हैं, ठीक है, तो उनकी बात की हुई है कि मान लो अगर मैं बात करूँ कांग्रेस के प्रेसिडेंट बनने का, ठीक है, या वाइस प्रेसिडेंट बनने का, या हम किसी दूसरी बीजेपी की हम बात करें किसी भी पार्टी की, तो ये वो जिक्र इन्होंने क्लोज दिया हुआ है और उसमें भी 5 साल का इन्होंने वक्त रखा है और उन्होंने निष्पक्ष चुनाव की बात की हुई है, लेकिन यहाँ भी हमें नॉमिनेशन नजर आता है। और ये हमारा जो मुद्दा था वो मुद्दा था कि उम्मीदवार का जो चयन है राजनीतिक दल पॉलिटिकल पार्टी के टिकट पर वो डेमोक्रेटिक वे से होना चाहिए, ठीक है ना, वो डेमोक्रेटिक वे से होना चाहिए, ताकि आप लोग जो सिविल सर्विसेज की आप प्रिपरेशन कर रहे हो आपको भी मौका मिले, आपको भी एक फ्यूचर नजर आए कि हम भी जो है कल को अगर हमारे पास नाम नहीं है शोहरत नहीं है लेकिन हमारे पास काबिलियत है तो हम एमएलए एमपी का टिकट ले सकते हैं, अगर ये जो तरीका है वो वोटिंग पर आ जाए, ठीक है ना, वोटिंग पर आ जाए, जो पार्टी लीडर्स हैं वो डिसाइड ना करें। मेरी बात आप समझ गए होंगे मैं क्या मैसेज देना आपको चाह रहा हूं। तो अब इसमें जरूरी है कि राजनीतिक दलों में सुधार हो, ऐसे में सवाल यह उठता है कि क्या राजनीतिक दल सुधरने को तैयार है, अगर वे तैयार नहीं है तो क्या उन्हें सुधरने को मजबूर किया जा सकता है, ठीक है। आप हमारे कमेंट बॉक्स में इस पर जरूर बात करो, क्योंकि पिछले 70 ईयर्स में कोई भी इस तरीके का राजनीतिक सुधार नहीं हुआ है, ठीक है। तो कल को देश आप लोगों ने संभालना है, और तो आप अपनी राय जरूर दें कि क्या तरीका होना चाहिए कि जो पॉलिटिकल पार्टीज बात कर रही हैं आज न्यूज़ चैनल्स में, आप टीवी चलाकर देखो कि हमने इतने अपने कैंडिडेट की लिस्ट जारी की, तो जो लिस्ट जारी करने का जो तरीका है, हिंदुस्तान एक लोकतांत्रिक देश है, तो
तो लोकतांत्रिक तरीके से ही उनका चयन होना चाहिए, इस बात पर चर्चा होनी चाहिए, ठीक है ना। और ये चीज लागू होनी चाहिए। क्यों राजनीतिक दल बड़े बड़े लीडर जो अपने आप को किसी भगवान से कम नहीं मानते, ठीक है, वो क्यों चर्चा नहीं करते इसके ऊपर। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।